बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टुवर्ड्स मार्स। आज हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, 2022 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इसमें हम 3rd to 8th अक्टूबर के जो हमने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़े थे उसकी दोबारा बात करेंगे, जो कि कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑलमोस्ट हम 27 MCQs कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, कंसीडरिंग द प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली वर्शिप एंड प्लेजिज्म इन मस्जिद अल हराम एंड मस्जिद अल नबवी, विच फैसिलिटी प्रोग्राम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोवाइड देम विद ईज एंड कम्फर्ट। जी, हमने ये बात की थी अपने अपने करंट अफेयर्स में कि कौन सी चीज़ जो है जो कि बूढ़े लोगों के लिए बनाई गई है कि वो मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी को उनकी ज़ियारतों के लिए उनके लिए एक फैसिलिटी बनाई गई है, प्रोग्राम बनाया गया है जिसे वो इजीली कर सकते हैं। जी, ताकीर, ये ताकीर प्रोग्राम का इन्होंने आगाज़ किया है जिससे जो ओल्ड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए ज़ियारतें करना आसान होंगी। क्वेश्चन नंबर टू, रशिया प्रेजिडेंट व्लादिमिर पुटिन डिक्लेयर्स हाउ मैनी रीजन्स ऑफ यूक्रेन। जी, उसने जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने कितने जो रीजन्स हैं वो अपने अपने मतलब कि उन्होंने कहा है कि हमने इनको अपना रीजन बना लिया, उन पर कब्जा कर लिया यूक्रेन के। जी, 4 रीजन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्थ कोरिया कंडक्टेड इट्स हाउ मेनी मिसाइल्स टेस्ट इन 10 डेज। जी, नॉर्थ कोरिया ने कितने मिसाइल्स जो हैं वो टेस्ट किए हैं 10 दिन में। जी, 5 मिसाइल्स जो इन्होंने 10 दिन के अंदर कंडक्टेड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइना फुली सोलर पावर्ड अननेम्ड एरियल व्हीकल। जी, ये जो चाइना की फुली सोलर पावर्ड अननेम्ड एरियल व्हीकल जो है इसका नेम क्या है। जी, इन्होंने इसका नेम किमिन जिंग 50 रखा है जो कि फुली सोलर पावर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉन फॉर्मूला 1 रेसिंग सिंगापुर F1 GP 2022। जी, ये किसने जीती है? ये सर्गियो पेरेज ने इसको जीती है जिनका ताल्लुक मेक्सिको से है, मेक्सियो से, सॉरी नॉट मेक्सिको, मेक्सियो से है। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉन वुमेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग चाइना। जी, किसने बास्केटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो जीता है चाइना को हराकर? यूएसए ने, और ये 11 टाइम यूएसए ने इसको अपने नाम किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन हैज अनाउंस्ड टू क्लियर ऑफ फैक्ट्रीज अक्रॉस द कंट्रीज। जी, क्यों टेक्सटाइल मिल्स जो हैं इन्होंने अनाउंस किया कि हम फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद कर देंगे अक्रॉस द कंट्री? जी, डिमांड फॉर चीप एनर्जी, चीप एनर्जी की वजह से उन्होंने ये फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंपनी लॉन्च ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट। जी, किस कंपनी ने ऑप्टिमस जो प्रोटोटाइप रोबोट है वो लॉन्च किया है? जी, ये टेस्ला ने इसको लॉन्च किया है और इसका हमने बताया था ये ऑटो पायलट ड्राइवर असिस्टेंट है और ये मतलब कि ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि मदद करेगा इंसान की। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन टू ट्रेवल स्पेस। जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जी, हमने पढ़ा था क्रू 5 में जो लोग जा रहे हैं उसमें एक पहली अमेरिकन वुमेन भी सफर कर रही हैं जो कि उनको लीड भी कर रही हैं, उनका नेम क्या है? जी, निकोल मैन इनका नेम है जो कि क्रू 5 मिशन स्पेस का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच कंट्री एशियन विंटर गेम्स 2029 विल बी प्लेड। जी, एशियन जो विंटर गेम्स है 2029 की ये किस कंट्री में खेली जाएंगी? जी, ये सऊदी अरेबिया ने इस बिड को विन किया है और ये न्यून सिटी जो उनका नया सिटी बना है वहाँ पर खेली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री हैज वॉन एशिया कप हॉकी 2022 बाय डिफीटिंग मलेशिया। जी, ये कौन किसने एशिया कप जो हॉकी है हॉकी का जो मैच है सॉरी हॉकी कप जो कप है वो जीता है मलेशिया को हरा कर? साउथ कोरिया ने इसको जीता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री वॉन जूनियर लीग हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग जर्मनी। जी, किस कंट्री ने जूनियर लीग हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो अपने नाम किया है जर्मनी को हराकर? जी, अर्जेंटीनिया ने। अब हमने दो एमसीक्यूज पढ़े हैं, एक जूनियर लीग हॉकी वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप है जो कि जर्मनी को हराया और अर्जेंटीना ने जीता है। उससे पहले हमने पढ़ा है
जो कि एशिया कप जो है वो मलेशिया ने और मलेशिया को हराकर साउथ कोरिया ने जीता है। इन दोनों को अपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, विच पाकिस्तानी हैज ब्रोकन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट फुल एक्सटेंशन पंचेस इन 1 मिनट। जी किस पाकिस्तानी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रोक किया है 1 मिनट में सबसे ज्यादा पंचेस लगाने का? जी अहमद सफीर ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 14, विच सेनेट व्हेन सेनेट पास बिल सीकिंग टू रिकॉन्स्टिट्यूट द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। जी ये सेनेट ने कब पास बिल किया कि दोबारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का? जी ये 3 अक्टूबर 2022 को इसको पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर रिसेंट रिपोर्ट हाउ मेनी वुमेन्स डाई ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर इन पाकिस्तान इन एवरी ईयर। जी आपको पता है कि अक्टूबर का जो मंथ है ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए इसको समझा जाता है कि इसमें ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है। तो इसमें जो रिपोर्ट चेक की गई है कि पाकिस्तान में हर साल कितने वुमेन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उसका शिकार होती हैं, तो देखते हैं। जी ये 40,000 जो है ये वुमेन्स हर साल जो कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से डाई होती हैं, उनकी डेथ होती है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेसिडेंट RF-LV डिसमिस टीजी पेमरा फ्रॉम सर्विस इन डैश केस। जी जो के डीजी पेमरा है इनको इनकी सर्विस से मौतल कर दिया गया था, तो प्रेसिडेंट RF-LV ने इनको किया था, तो इसकी वजह क्या बनी थी? जी इसकी वजह हेरेसमेंट केस था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन पाकिस्तान विल लॉन्च फर्स्ट एवर PSL स्टाइल क्रिकेट वुमेन लीग इन डैश। जी पाकिस्तान ने ये बहुत ही अच्छा स्टेप लेने जा रहा है कि वो वुमेन्स के लिए जिस तरह मेंस के लिए PSL है, इसी तरह वुमेन्स के लिए वुमेन की क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए एक PSL स्टाइल क्रिकेट जो है वो उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये कब ये करने जा रहे हैं? जी 2023 में ये इनिशिएटिव लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे फेमस पर्सनैलिटी हु डाइड एंड बॉर्न। क्वेश्चन नंबर 1, विच लेजेंडरी जैपनीज रेसलर हु पास्ड अवे अर्लियर टुडे एट द एज ऑफ 79। जी ये कौन से लेजेंडरी जैपनीज रेसलर हैं जो कि जिनकी डेथ हुई है 79 एज में और इनका काफी नेम था? जी रेसलर एंटोनियो एनोकी ये काफी मशहूर रेसलर थे जिनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 79। इनका ताल्लुक जापान से था। क्वेश्चन नंबर 2, रियोट्स आल्सो ब्रोक आउट इन द तेहरान एंड मशद ओवर द डेथ ऑफ। जी हमने ये पढ़ा था ईरान के जो दारुल हुकूमत तेहरान में जो रियोट्स हैं जो मतलब के वहाँ पर कुछ एक किस्म की कह सकते हैं खाना जंगी शुरू हो गई थी, इसकी वजह क्या थी? जी मैसा एमनी जो है इनकी डेथ की वजह से ये सारा हुआ था क्योंकि ये पुलिस की कस्टडी में थे तो इनकी डेथ हुई है, तो इस वजह से वहाँ पर काफ़ी दंगा फसाद हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, विच अल शाबा को फाउंडर वॉज किल्ड इन ड्रोन स्ट्राइक इन सोमालिया। द यूनाइटेड स्टेट्स हैड सेट अ रिवॉर्ड ऑफ $3 मिलियन फॉर द कैप्चर अलाइव और डाइड। जी अल शाबा के जो को फाउंडर हैं उन किन को कत्ल किया गया है सोमालिया में, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से उन पर $3 मिलियन का इनाम भी था। जी अब्दुल्ला यारी इनको कत्ल किया गया। क्वेश्चन अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेज और डेट्स की। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व इन एवरी ईयर। जी हैबिटेट डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 3 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका जो थीम है माइंड द गैप लीव नो वन एंड नो प्लेस बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन जर्मनी सेलिब्रेटेड इट्स इंडिपेंडेंस डे इन एवरी ईयर। जी जर्मनी जो है ये कब अपनी इंडिपेंडेंस डे मनाता है? ये भी 3 अक्टूबर को अपनी इंडिपेंडेंस डे जो है अपने सेलिब्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। जी कब वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है? जी ये 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन टीचर्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। टीचर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? जी ये 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वर्ल्ड स्पेस वीक डे ऑब्जर्व इन एवरी ईयर। जी वर्ल्ड स्पेस वीक डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है और इसका जो थीम है वो है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। जी ये 4 to 10 अक्टूबर तक इसको ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे
सॉरी वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व एवरी ईयर। जी वाइल्ड लाइफ वीक जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 2 to 8 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एवरी ईयर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ इज ऑब्जर्व इन अदर मंथ। जी हमने जैसे कि बात की थी कुछ देर पहले कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो मंथ है इसको सेलिब्रेट मतलब कि ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये कौन सा मंथ है? अक्टूबर का मंथ है। जी आज हमने अपने इस वीक में जो इम्पोर्टेंट हमारे वीक के करंट अफेयर्स थे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है उनको हमने कवर किया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो इसी तरह आप हमारी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।